नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी कि 15 नवंबर को 8 करोड़ किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने बुधवार को झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी कर दी है। करोड़ों किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2000 रुपए की रकम पहुंचाई गई है। किसानों के रजिस्टर्ड फोन में किस्त ट्रांसफर को लेकर एक मैसेज भी आया। कुल 8 करोड़ किसानों के खातों में 18000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। और जिन किसानों की राशि अटक गई है वो क्या करें, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। यहाँ आपको राइट साइड पर फार्मर्स कॉर्नर का विकल्प मिलेगा। यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें, नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से कोई एक विकल्प चुनें। इन तीन नंबरों के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं। आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है उसका नंबर भरिए। इसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको FTO is generated and payment confirmation is pending लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अमाउंट प्रोसेस हो रहा है। अब बात करते हैं जिनकी राशि अटक गई है वो क्या करें। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसको लेकर सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं। पीएम किसान AI चैटबोट में किसान आसानी से पीएम किसान योजना से जुड़े कोई भी सवाल आसानी से पूछ सकते हैं। सभी सुविधा में किसानों को 5 अलग भाषा में जवाब मिल सकता है। ये सुविधा बीते दिन ही शुरू हुई है। इसका लाभ पीएम किसान ऐप से लिया जा सकता है। इसके अलावा 15वीं किस्त को लेकर अगर आपके कोई सवाल है या फिर पीएम किसान योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी चाहिए तो pmkisan.ict@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 1552611800115526 या 011233810922 पर संपर्क कर सकते हैं। मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि किसानों के खाते में 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में 2000 रुपए करके भेजी जाती है। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की थी। योजना के तहत अब किसानों के खातों में कुल 15 किस्तों में 2,80,00,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।